एंडोस्कोपी स्पंज सर्जरी यानी दूरबीन द्वारा रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, जिसमें पेशेंट्स का रीढ़ की हड्डी का स्लिप डिस्क का ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें पेशेंट को बिल्कुल माइन्यूट इंसिजन सूक्ष्म चीरे द्वारा एंडोस्कोप को से जो रिमेनिंग कल्प्रेट पार्ट होता है स्लिप डिस्क, उसको रिमूव कर देते हैं। इसमें पेशेंट्स को बेहोशी की जरूरत नहीं होती है। पूरी सर्जरी के दौरान पेशेंट अवेक एंड अलर्ट रहता है और पूरी सर्जरी को पेशेंट मॉनिटर में आराम से देख सकता है। इस सर्जरी को किन किन पेशेंट में किया जा सकता है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क चाहे गर्दन में हो, सर्वाइकल पीआईवीडी हो, चाहे कमर में हो, लंबर पीआईवीडी हो, उनमें भी कर सकते हैं। इनके अलावा लंबर कैनाल स्टेनोसिस ओल्ड एज में, उनमें पेशेंट्स में भी इसको कर सकते हैं। इस सर्जरी के जो मोस्ट कॉमन एडवांटेज वो ये हैं कि इसमें एक तो पेशेंट का इंसिजन बहुत स्मॉल होता है, 8 mm से 8 to 9 mm होते हैं, यानी 1 cm से भी छोटा रहता है। तो इसमें पेशेंट्स को सूचर लगाने की जरूरत नहीं रहती है और पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पेशेंट को इमिडिएटली ओटी से चला के बाहर ला सकते हैं, पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज भी कर सकते हैं और पेशेंट 2 to 3 weeks में अपना ऑफिस वर्क ज्वाइन कर सकता है। और दूसरा, ये पेशेंट है ये लोकल एनेस्थेसिया के अंडर में करते हैं, पेशेंट को पूरा बेहोश करने की जरूरत नहीं होती है। तो कुछ जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं एनेस्थेसिया के, जैसे अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, उन पेशेंट्स में भी इस सर्जरी को आराम से किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स जिनमें बहुत ज़्यादा खून की कमी होती है, सीवियर एनीमिया, उन पेशेंट में भी इस सर्जरी को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड लॉस बहुत नेग्लिजिबल होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं रहती है। और ये एंडोस्कोपिक स्पंज सर्जरी आजकल डे केयर स्पंज सर्जरी के रूप में की